नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच, साथ ही वहाँ का जो माहौल है वो किस तरीके का है। नमस्कार मैम। नंदन सदगुरु तेरे। क्या नाम है मैम? मेरा जसप्रीत इंसा। मैम डेरे से जुड़े हो? हाँ जी। क्या करते हो मैम? डेरे में जो सेवा आती है, जो पिताजी के हुक्म से हम लोगों को सेवाएँ मिलती हैं, वो सभी करते हैं। पिताजी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उन्हीं से हमें पता लगा है कि मानवता क्या है और हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। मैम आप कहते हो कि गुरुजी ने इतनी अच्छी शिक्षा दी है आपको, उसके बाद जो माहौल को जिस तरीके से दिखाया था मीडिया चैनलों पर, आपको भी पता है आखिर ऐसा क्यों क्यों बदनाम किया गया गुरु? जो अच्छे काम करते हैं ना, ये हमारी सोसाइटी ही है। आप भी कुछ अच्छे काम करेंगे तो आपके बारे में भी कुछ ना कुछ कमेंट करे जाएंगे। फिर तो वो तो इतने करोड़ों साध संगत के पिताजी हैं जो कहने सुनने से परे हैं। और दूसरी बात कि अब तो ये प्रूफ हो ही गया कि मीडिया बिकाऊ है, ठीक है, हम सबके बारे में नहीं कह सकते जी। लेकिन जो पिताजी के वचन थे वो पूरे हुए। आज मीडिया सबके सामने सुरे आम है कि मीडिया बिकाऊ है, जो अच्छे काम करता है उसकी आलोचना करते हैं। और पिताजी ने तो कितने ही अच्छे कार्य करे हैं जिसका गुणगान नहीं किया जा सकता है। मैम जैसे कि बेटी बचाओ सफाई अभियान अब हमारे देश में अब हो रहे हैं, ये सेवाएँ कब से पिताजी ने शुरू करी थी। और उनके वचन भी थे कि एक समय आएगा बेटा कि ये सारी सेवाएँ आम होंगी, तो वो आज पूरे भी हुए हैं। मैम आप कहते हो कि गुरुजी ने इतने अच्छा मार्गदर्शन किया है, फिर आखिर ये एलिगेशंस क्या कारण रहा होगा जो गुरुजी पे ये एलिगेशंस लगाए गए, किस कारणवश? देखिए एलिगेशंस के लिए अभी प्रूफ नहीं हुए हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि गुरुजी पे एलिगेशन लगे हुए हैं। जब प्रूफ हो जाएंगे तब बताया जाएगा। एक किसी के कह देने से या मतलब सब लोगों की, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, राजनीतिक या जेलस की वजह से भी कर सकते हैं। मैम आपका जो मानना क्या है, बींग अ गर्ल आप डेरे के अंदर कितना सेफ फील करते हो? मैम हम लोग तो डेरे से, वहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ ने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करी थी और बहुत साल हो गए हैं हमें वहाँ जाते हुए। मेरे तो जो इन लॉज हैं जब से हैं तब से, मतलब 30-35 साल से उन्होंने नामदान लिया है, तो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ डेरे को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी चाल चली थी या कुछ ऐसे एलिगेशन लगाए थे, लेकिन हम इनको नहीं मानते क्योंकि हम लोगों को अपना घर जैसे लगता है वैसे ही दरबार लगता है। मैम महिला उत्थान के लिए गुरुजी ने कुछ किया? हाँ जी बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे वीरांगनाएं जो अपाहिज हैं या जिनका मतलब डिवोर्स इनका हुआ है उनको दोबारा से उनकी रीमैरिज करी जाती है। जो वैश्याएं थी उनके लिए सुखदुआ समाज बनाया है जिनमें उनको लाकर उनका घर बसाया जाता है, एक नरक से निकाल के उनको एक स्वर्ग की ज़िंदगी दी जाती है। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए हुए हैं। जो हम गर्ल चाइल्ड अबॉर्ट कर रहे थे उसके लिए भी पिताजी ने कहा है कि वो नहीं करने, आप हमें आके डेरे में आके बेटियां दान करो, हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो वहां से पढ़ लिख के बड़ी होकर अपने पैरों पे काबिल बनी है। मैम समाज को आज गुरुजी की ज़रूरत है लगता है आपको? बहुत ज़्यादा गुरुजी की ज़रूरत है और पिताजी के जितने वचन थे वो आज पूरे भी हो रहे हैं। उस क्षेत्र में कार्य चल भी रहा है। अब ये सारे लोग नहीं मानेंगे क्योंकि जो कहते हैं ना ईगो सामने आती है, बट हम लोगों को सारी जो है मतलब अच्छे कार्य करने की जो प्रेरणा देते हैं वो गुरुजी से ही मिलती है। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से हम यही अपील करेंगे कि अपने और यहीं के लिए नहीं, संगत के लिए नहीं। हाँ हाँ जो लेकर आते हैं वहीं के सारे। हाँ जी एक मिनट बस लास्ट लाइन। सरकार से क्या अपील करोगे? हम सरकार से यही अपील करेंगे कि दोबारा से इसकी जांच की जाए और पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं एक वेल एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद उनका ये मानना है कि जो लड़कियों के लिए गुरुजी ने कार्य करे हैं वो किसी भी संत ने नहीं करे, फिर आखिर गुरुजी को बदनाम क्यों किया गया? जो फैसला है आपने करना है कि सूत्रों के हवाले से सच मानना है या फिर उन लोगों को सच मानना है जो वहाँ पर सालों से जाते हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वो सोच सकते हैं कि आखिर हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।